अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमार 946 एंड वेलकम टू माय फ्री यूट्यूब कोर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट डिस्क्रिप्शन, नॉट अ वीडियो डिस्क्रिप्शन, इट्स अ चैनल डिस्क्रिप्शन, कि हम लोग अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे हमारा चैनल जब सबके सामने आता है, लाइक ऑडियंस के सामने आता है, जब हमारा नाम सर्च आउट करते हैं, हमारा नाम हमारे चैनल के नाम के साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन हमारी आ रही होती है, हेलो हाय आई एम हमाद या दिस काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस टाइप की डिस्क्रिप्शन होती है और हम किस तरह से अच्छी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं हमारे चैनल के लिए। तो हर चैनल की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है। टेक के चैनल है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होगी। फूड के चैनल है, कुकिंग के चैनल है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी। अब जिस तरह की हर बिजनेस, मतलब कि हर यूट्यूब नीच का एक अलग डिस्क्रिप्शन होगी और अलग किस्म का एक ओवरव्यू होगा उसकी डिस्क्रिप्शन का। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। अपने चैनल पर आ चुके हैं कि हमारा चैनल इस टाइप का आएगा, हमें चैनल का कुछ इस तरह का ओवरव्यू दिखेगा और हमने कस्टम चैनल यहाँ पर कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो, दो टैब्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें अभी जस्ट कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है और कस्टमाइज चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को हमें मिलेगा। तो चैनल ट्रेलर फॉर पीपल्स हैवंट सब्सक्राइब, मतलब कि ये एक अलग फीचर आता है और जब हम लोग अपलोड करेंगे अपनी वीडियो तो साथ साथ हम लोग ये चीज़ें देखते रहेंगे कि ये क्या होती है और ये सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर देखेंगे अपनी बेसिक्स इन्फो जो है, बेसिक्स इन्फो में जो जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि चैनल डिस्क्रिप्शन आ रही है, एड लिंक्स आ रहा है, जो जो कुछ आ रहा है हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। अब चैनल डिस्क्रिप्शन का फ़ायदा क्या और एक लुकअप क्या बनता है कि आपका जो एक सब्सक्राइबर, एक व्यूवर, एक ऑडियंस जो आपकी आती है आपके चैनल की तरफ, तो उससे एक अच्छा लुकअप मिलना चाहिए आपका चैनल का, एक अच्छा एक पोर्टफोलियो, लाइक एक अच्छा सब कुछ ओवरऑल मिलना चाहिए, एक मैनेजेबल चीज़ मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका चैनल कोई और टाइप का और आपने हाय हेलो लिखा हो, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब एक कॉन्टैक्ट आपने दिया हो, अपना अपना बायो हिस्ट्री बताई हो, मैं यहाँ पर कर रहता हूँ, मुझे ये इंटरेस्ट है, लाइक सीवी में नहीं करते उस तरह से, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन देनी है, लाइक अगर आपका फूड का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, तो आपने कुकिंग के बारे में बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है कुकिंग के बारे में, या फिर माइलस्टोन हो गए, या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन हो गई, मीन्स के लिंक्स वगैरह हो जाते हैं, इस टाइप की आपने अपने माइंड में सोचने, या फिर पहले ही अपने पास लिख के इस तरह से कर दें। मैं आपको यहाँ पर आइडिया प्रोवाइड करूँगा, अब जो आप चैनल क्रिएट करेंगे वो आपके नीच तक होगा कि आप कौन सी नीच पे काम करने जा रहे हो और आपका डिस्क्रिप्शन, आपकी जो चैनल डिस्क्रिप्शन होगी वो क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना चैनल विजिट करवाता हूँ। तो मेरे चैनल में अब डिस्क्रिप्शन जो दी गई है, मैंने मतलब कि बहुत शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस वजह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं ज़्यादा इसको और भरूँ या फिर लाइक दैट। तो यहाँ पर मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है एंड थैंक्स फॉर चेकिंग हमाद 946 ऑन यूट्यूब, और उसके बाद में मैंने अपना नाम बताया और कुछ गोल बताए हैं अपने, उसके बाद इंटरेस्टेड मतलब कि उसके बाद इनकम वगैरह बताया, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, उसके बाद मतलब कि ये कुछ मेरे चैनल के रिलेटिव जो चीज़ें आ रही थी मैंने वो कंबाइन की और उसको यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर आप लोग अपने माइलस्टोन भी यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक दैट के यहाँ पर मैं फर्ज करें कि यहाँ पर मैं ये कॉपी करता हूँ, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड नीचे में माइलस्टोन का एक हेडिंग सी देता हूँ एंड इसके नीचे में यहाँ पर स्पेलिंग गलत है माइलस्टोन, तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ 1000 सब्स, पूरा भी आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको बताने की यहाँ पर बता रहा हूँ, अब 1000 सब्सक्राइब, उसके बाद 1 मिलियन कर देते हैं, उसके बाद 10 मिलियन कर देते हैं, लाइक आपका जो भी है आपके माइलस्टोन जितने भी आपने क्रिएट किए अपने माइंड में आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, और साथ में आगे आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं जब आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए, या फिर इसको यहाँ पर आइकन, टिक का आइकन होता है वह यहाँ पर आप
पुट आउट कर सकते हैं जैसे जैसे आपके माइलस्टोन अचीव हो। आपके जो नीच के रिलेटिव डिस्क्रिप्शन होगी आपने वही लिखनी है, उसके अलावा कोई बायोडाटा अपना नहीं देना ज्यादा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नंबर क्या, मेरा नाम, मतलब ये सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग जो भी आ रहा है ये आपने नहीं लिखना। आपने अपने चैनल के रिलेटिव चीज़ें जो हैं वो लिखनी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती आप जाएं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने अपने नीच के रिलेटिव चैनल सर्च आउट करने हैं, उनकी अबाउट में जाना है और उनके अबाउट चेक करें कि उनके अबाउट में क्या लिखा हुआ है और आप किस तरह से उन सबको कंबाइन करके अपनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने पूरी उनकी डिस्क्रिप्शन उठा ली, उठा के अपने यहाँ पर चैनल पे पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। अगर कॉपी पेस्ट करते भी हैं तो कुछ इसमें ज़रूर चेंजिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्शन है वो उनके माइंड सेट की है और ये जो आपका चैनल है आपके माइंड सेट का होना चाहिए। तो उसके अलावा सबसे पहले आप हल्का फुल्का यहाँ पर डिफाइन कर दें कि आपका चैनल किस बारे में है और आप इस पे क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद माइलस्टोन्स अगर आपने लगाने हैं आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपने लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब, सॉरी फेसबुक, फेसबुक यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फेसबुक का लिंक दे देंगे। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम, यहाँ पर अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है लिंक्डइन, तो यहाँ पर आप अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपका बिजनेस टाइप का नीच है, मतलब कि अगर आप टेक के चैनल हैं और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है और आपका चैनल है इन फ्यूचर आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो आपको मिलने लगी है, तो आप यहाँ पर इंक्लूडेड अपना मेल भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ऐसे कॉन्टैक्ट या फॉर बिजनेस, जो भी आपका माइंड बन रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं, लाइक @mail.com। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो, ताकि आपसे फर्दर कनेक्ट किया जा सके थ्रू स्पॉन्सरशिप। तो कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने एक कीवर्ड्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक दैट कि अगर आप कुकिंग के चैनल हैं, लाइक कुकिंग का चैनल है, उसके अलावा कुकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आप कुक करने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंशन कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट नीचेज आ रही हैं, अ लॉट ऑफ नीचेज हैं और डिफरेंट किस्म के डिफरेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप पुट आउट कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से आप इजीली अपने डिस्क्रिप्शन, अपने माइंड को हाजिर रख के यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक आपका चैनल किस बारे में है, आप इस चैनल में बताने क्या वाले हैं, चाहे जिस भी नीच का हो। उसके बाद आप अगर माइलस्टोन अपने लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर माइलस्टोन लिख दें, कितने सब्सक्राइबर आपने करने हैं और आपका माइलस्टोन क्या है। जब आपके वो कंप्लीट हो जाएं तो आप यहाँ पर आके डन कर दें या फिर आगे डेट लिख दें, इस डेट को आपके माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फेसबुक के, इंस्टा या फिर सोशल लिंक आपने देने हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल वगैरह आपने देना है, लाइक स्पॉन्सर अगर आपको चाहिए, स्पॉन्सरशिप का आपका लगता है, या फिर आप कि कोई इस तरह की नीच है आपको काम मिल सकता है, लाइक फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको काम अगर मिल सकता है थ्रू यूट्यूब, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब यहां पर फिर से मैं अपने चैनल पे चलता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने अपने ना माइलस्टोन इंक्लूड किए हुए हैं और ना ही यहां पर मैंने कोई सोशल लिंक इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा भरा हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो दैट्स वाई कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने नहीं डाले। और यहां पर अब मैं यहां पर सोशल लिंक मैंने क्यों नहीं डाले, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे ऐड लिंक, मतलब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि आप यहाँ पर अपने सोशल लिंक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो है यहाँ पर मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम मेरी जो आएगी वो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो ये मेरा रहा इंस्टाग्राम, तो इसको मैं फिर से एक बार लिंक कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए कि ऐड लिंक में यहाँ पर करूँगा, ऐड लिंक जैसे ही करूँगा तो सबसे पहले टाइटल होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम है, INSTAGRAM
तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, और साथ में मैं यहाँ पर अपना URL पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर हमारा एक लिंक हो गया फाइनल। तो आप जस्ट यहाँ पर 5 लिंक जो है पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर से आप यहाँ पर ऐड लिंक करें। ऐड लिंक करने के बाद आप यहाँ पर, मैं अपने चैनल का लिंक दे देता हूँ, कॉपी करता हूँ और YouTube लिख के यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अब पब्लिश करता हूँ। और पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर शो आउट हो जाएगा कि किस तरह की अबाउट एंड यहाँ पर मेरे लिंक्स शो आउट हो रहे हैं। अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम एंड यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दिया, यहाँ पर मेरे शो आउट हो गए। और एक बार हम लोग अबाउट में भी नज़र डाल लेते हैं कि हमारी अबाउट यहाँ पर किस तरह की दिखाई दे रही है। तो हमारा अबाउट भी यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देने लग गया, जो हमने माइलस्टोन डाले हमारे फेसबुक एंड डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डाला। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बिजनेस ईमेल भी दे सकते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर आप अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। और ईमेल डालने के बाद डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ से पब्लिश करना है और आपका डिस्क्रिप्शन टैब हो गया बिल्कुल रेडी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो मुझे अबाउट डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ और पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछने, मैं आपको बिना किसी झिझक के आपको आंसर दे दूँगा। तो ये थी आज की कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाना सिखाया कि किस तरह से आप अपनी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं लाइफ प्रोफेशनल। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।